ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस की ज्योति बिरधा और एनडीए के हनुमान बेनीवाल के मुकाबले ने नागौर को सूबे की हॉट सीटों में शामिल कर दिया है। नागौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति बिरधा आज नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। ज्योति बिरधा पर कांग्रेस ने दांव क्यों खेला और क्यों सीआर चौधरी का टिकट काटकर हनुमान बेनीवाल को मैदान में उतारा गया, ये खास रिपोर्ट देखिए। नाम डॉक्टर ज्योति मिर्धा, निर्वाचन क्षेत्र नागौर, पिता का नाम राम प्रकाश मिर्धा, माता का नाम वीना मिर्धा, जन्म तिथि 26 जुलाई 1972, जन्म स्थान नई दिल्ली, वैवाहिक स्थिति 21 नवंबर 2000, पति नरेंद्र गहलोत, राजनीतिक पार्टी का नाम कांग्रेस, शैक्षिक योग्यता एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर एमबीबीएस। राजस्थान की राजनीति में नागौर अपना अहम स्थान रखता है। नागौर की राजनीति अहमियत इसलिए भी है कि ये कई मशहूर राजनीतिक शख्सियतों की जन्मस्थली रहा है। नाथूराम मिर्धा, राम निवास मिर्धा, हरिशंकर भाभड़ा सहित कई ऐसे नाम हैं जिनके बगैर राजस्थान की राजनीति कोरे कागज की तरह लगती है। इन शख्सियतों में एक और नाम जुड़ गया है, वो है नाथूराम मिर्धा की पोती डॉक्टर ज्योति मिर्धा का। ज्योति मिर्धा नागौर संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और बिंदु चौधरी को हराकर लोकसभा पहुंची। भले ही उस चुनाव में ज्योति मिर्धा को विरासत में मिली राजनीति और अपने दादा नाथूराम मिर्धा के नाम पर वोट मिले, लेकिन सांसद बनने के बाद ज्योति मिर्धा ने जो परफॉर्मेंस दिए वो नागौर के ग्रामीण इलाकों में बसे लोगों को आज भी याद है। किस तरह से ज्योति मिर्धा ने लोकसभा क्षेत्र की हर पंचायत में पहुंचकर अपने सांसद कोष की राशि गांव के विकास कार्य में लगाई, लेकिन दूसरी बार 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में सीआर चौधरी के सामने ज्योति मिर्धा को हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी विरोध के बावजूद कांग्रेस ने ज्योति मिर्धा पर एक बार फिर भरोसा जताया है। इस बार ज्योति मिर्धा का मुकाबला खिवसर विधायक और आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल से है, जो एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। ज्योति मिर्धा को नागौर संसदीय क्षेत्र में वैसे ही प्यार और समर्थन मिलता रहा है जैसे अमेठी में गांधी परिवार को। उनके परिवार का राजस्थान के नागौर में बहुत सम्मान है। दादा नाथूराम मिर्धा मारवाड़ के गांधी के रूप में प्रसिद्ध थे। वो 6 बार सांसद रहे। 2009 में जब ज्योति यहां से चुनाव लड़ी तो सोनिया गांधी उनके लिए प्रचार करने आई थी। उस दौरान जो जनसैलाब उनके समर्थन में उमड़ा उसे देख सोनिया भी अभिभूत हो गई थी। उनके दादा नाथूराम मिर्धा को 3 दलों की सरकार में रहकर मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। 1977 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस उत्तर भारत की सारी सीटें हार गई थी तब नाथूराम मिर्धा नागौर की अकेली सीट कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस ज्योति पेशे से डॉक्टर हैं। 15वीं लोकसभा में पहली बार वो जिस सीट से सांसद बनी वहां से उनके दादा नाथूराम मिर्धा 5 बार सांसद रहे। राजस्थान की राजनीति में एक बड़े जाट नेता माने जाने वाले नाथूराम को नागौर की जनता बाबा कहती थी। भाजपा ने नागौर सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी को फिर से उम्मीदवार नहीं बनाकर आरएलपी से गठबंधन कर हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ दी है। भाजपा को जहां हनुमान बेनीवाल में संजीवनी नजर आ रही है, वहीं ज्योति मिर्धा का कहना है कि बेनीवाल एक्सपोज हो गए हैं। पहले वो भाजपा के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे थे और अब उनके खुलकर भाजपा के साथ आने से उनकी असलियत सामने आ गई है, जिसे जनता समझ गई है। नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के कार्यकाल वर्ष 2009-2014 में हुए अभूतपूर्व कार्य। नागौर लिफ्ट कैनाल फेज 2 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था जायका से 3,000 करोड़ रुपए स्वीकृति कराए, जिससे नागौर जिले को मीठा पीने का पानी उपलब्ध हुआ। ये देश की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। कई सालों से बंद मकराना पर्वतसर रेलवे लाइन का मुद्दा हल करवाया, जिसे चालू होने से मकराना मार्बल उद्योग और इस क्षेत्र के निवासियों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। सन 2012-2013 के बजट में केंद्र सरकार की ओर से ट्रैक्टर पर 10 गुना इंश्योरेंस राशि बढ़ा दी गई थी, उसको संसद में उठाकर वापस कम करवाया। इससे देश भर के किसानों को हर साल हजारों रुपए का फायदा हुआ। मनरेगा योजना में इंटरलॉकिंग सीसी ब्लॉक को वापस शुरू करवाया, जिससे मनरेगा में हर गांव में पक्का काम हो रहा है।
सांसद मिर्धा ने अपने पूरे कार्यकाल में हर गांव में जाकर ग्रामवासियों की राय लेकर एमपी लैड के तहत सारे काम कराए। लघु सीमांत और एससी एसटी के किसानों के खेतों में टांकों को नरेगा योजना से होने वाले कामों में जुड़वाया। इसका सबसे ज्यादा फायदा मारवाड़ क्षेत्र को हुआ। जायल में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना करवाई। पंचायती राज के 50 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और नागौर में 150 बेड के नए अस्पताल की स्थापना करवाई। मुड़वा में अंबुजा सीमेंट की ओर से गलत तरीके से अधिग्रहित की गई 132 बीघा भूमि को वापस किसानों को दिलवाया। नागौर जिले की बड़ी ग्राम पंचायतों जैसे मौलासर, हरसोलाव, खुनखुना, बाजवास, इनाना में यूनियन बैंक की शाखाएं खुलवाई। नागौर की ग्राम पंचायत कुसुम्बी, सुदासन, भादवा और लालासा में यूको बैंक की शाखाएं खुलवाई। एमपी लैड के दिशा निर्देशों में संशोधन करवाकर स्कूलों में फर्नीचर देने और ग्राम सहकारी समिति में हॉल निर्माण करने के आदेश जारी करवाए। नागौर जिला मुख्यालय पर स्वीकृति केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए अतिरिक्त भूमि का आवंटन कराया, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय विद्यालय शुरू हो सका। इंडिया बुल्स फाउंडेशन के जरिए कई ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण, शिक्षा और लैपटॉप वितरण के कार्य करवाए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से नागौर जिले के सैकड़ों मरीजों के लिए लाखों रुपए स्वीकृति करवाए। ग्राम अलय में मीठे पानी का हाइड्रेंट लगवाया, जिससे क्षेत्र के करीब 20 गांवों को पीने का मीठा पानी उपलब्ध हुआ। ग्राम बासनी में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से 1 करोड़ से अधिक की राशि अल्पसंख्यक समाज के छात्रों के लिए स्वीकृति करवाई। ग्राम पलोट में 20 लाख का पेयजल आपूर्ति के लिए प्रोजेक्ट राज्य सरकार से स्वीकृत करवाया। डिडवाना के राय सिंहपुरा गांव स्थित श्री जानकी दास महाराज आश्रम में 30 लाख का पेयजल आपूर्ति का प्रोजेक्ट शुरू करवाया। लाडनू कस्बे के लिए 70 करोड़ का सीवरेज प्रोजेक्ट भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय से स्वीकृत करवाया। मोनसेंटो कंपनी द्वारा राज्य सरकार से PPP मॉडल पर GM फसलों के लिए करे गए MOU निरस्त करवाएं, ताकि किसानों का बीजों पर मालिकाना हक बना रहे। नागौर में 10 करोड़ की लागत से डेयरी संयंत्र स्थापित करवाया, जिससे हजारों दुग्ध उत्पादकों को फायदा हुआ। नावा रेलवे स्टेशन पर जोधपुर जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22477/22478 का स्टॉपेज शुरू करवाया। छोटी खाटू रेलवे स्टेशन पर जोधपुर सराय रोहिल्ला ट्रेन नंबर 22481/22482 का स्टॉपेज शुरू करवाया। कुचामन रेलवे स्टेशन पर जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन नंबर 12307/12308 का स्टॉपेज शुरू करवाया। नागौर से आने जाने वाली बीकानेर सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह में 2 बार करवाया। छोटी खाटू रेलवे स्टेशन पर रेलवे रिजर्वेशन की सुविधा की शुरुआत करवाई। अपने इन कामों की बदौलत एक बार फिर ज्योति मिर्धा जनता के बीच जा रही हैं। नरपत जोया, फर्स्ट इंडिया न्यूज, नागौर।